नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में मैं हूँ सुशील नावड़कर चैनल के साथ अभी जुड़े हो ना तो पहले सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो मैं आपके साथ ला रहा हूँ ये है होंडा एम एज ये स्वेरन दिस इज मैन्यूअल ट्रांसमिशन ये आपको ऑटोमेटिक भी मिलने वाली है ये गाड़ी के बारे में हम आज पूरा जानने वाले हैं दस मिनट का वीडियो है लेकिन फटाफट मैं आपको बताऊंगा क्यों ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं होंडा एम के बारे में तो दोस्तों ये है होंडा अमेजियस वेरियंट इसकी आपको दो की मिलेगी एक नॉर्मल रिमोट की मिलेगी दिस इज नॉट फ्लिप की बट यू विल गेट नॉर्मल की ओके वेयर बाय आपको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलेगा और दूसरी है वो आपको मैकेनिकल की देखने को मिलेगी फॉलो मी होम फीचर इसमें मिल जाता है एंड हेडल्प स्कॉट फीचर मिल जाता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ आपको क्या मिलेगा रिफ्लेक्टर बेस आपको हाइलोजन मिलेगा सिंगल बल्ब है वो आपका काम करने वाला है दोनों भी यानी हाई बीम के लिए लो बीम के लिए यह आपको देखने को मिलेगा डी आर एल वो आपको येस वेरियंट से सेकेंड बेस्ट वेरियंट से आपको डी आर एल देखने को मिलती है बहुत ही खूबसूरत है यह आपको हाइलोजन में इंडिकेटर मिलेगा नीचे कोई फॉग फॉगलैम का ऑप्शन नहीं है आप वो बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं यह आपको फॉग फॉगलैम्प गार्निश जरूर देखने को मिलने वाली है या आपको देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे थोड़ा आपको होंडा सिटी का याद दिलाने वाले सेम ही वहाँ से स्टाइलिंग ली गई है यहाँ आप देख सकते हैं क्रोम ओके और होंडा का बीच में लोगो देखने को मिलने वाला है फ्रंट फेसिया से होंडा आमेज डेफिनेटली ये वेरिएंट मतलब ये जो जनरेशन है बहुत खूबसूरत लगता है साइड प्रोफाइल से ऐसे कुछ निकल के आती है इंडिकेटर आपको ओ आर वी एम के ऊपर मिलेगा वो वो भी आपको एल ई डी इंडिकेटर मिलने वाला है सेकंड बेस्ट वेरियंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों तो इसमें आपको ब्रिस्टन के टायर प्रोवाइड किए गए हैं और टायर सेक्शन की बात करेंगे तो वन सेवेंटी फाइव सिक्सटी फाइव का टायर सेक्शन रहने वाला है और फोटी इंचज का आपको स्टील रिम्स मिलेंगे ये आपको स्टील कवर देखने को मिलने वाला है आगे बात करेंगे तो डिस्क ब्रेक आगे मिलेगा पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा मैकफर्सन शॉट के सस्पेंशन आपको आगे मिलेंगे पीछे आपको टॉर्जन बीम एक्सेल के सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में सबसे पहले तो खासियत है इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 सेवेंटी mm एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसकी लेंथ है 3995 नाइन नाइन फाइव एम एम वन सिक्स नाइन फाइव एम एम की विड रहेगी हाइट है वन फोर नाइन एट एम एम की व्हील बेस रहने वाला है टू फोर सेवन जीरो एम एम का अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो नियर अबाउट नाइन थर्टी फोर का वेट इसका रहने वाला है यह है इसका रियर प्रोफाइल ओके आपको एलईडीज में टेल लैम्स देखने को मिलेंगे दिस इज सेकंड बेस्ट वेरियंट एम एच के आपको बैचिंग यहाँ मिल जाएगी होंडा का लोगो आई की बैचिंग सेकेंड ऑप्शन यहाँ आपको शार्कविन एंटीरियर मिलता है सेकेंड बेस वेरियंट से और क्या कुलती और क्या चाहिए यह आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिलने वाला है पीछे बात करेंगे तो चार सेंसर्स मिलेंगे ओके okay, और नीचे आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं एंड आपको गार्निश नीचे बम्पर के ऊपर भी आपको देखने को मिलने वाली है इसका एक एक ही नेगेटिव लगता है मुझे जो आपको बूट ओपन करने के लिए कंट्रोल है वो आपको अंदर दिया गया या फिर आपको की से ओपन करना पड़ेगा इस तरह से देन okay. आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं तो ये थोड़ा मुझे निगेटिव लगता है लेकिन सेकेंड बेस में इतने सारे फीचर दिए एक तो आप जरूर इसे आप निगलैक्ट कर सकते हैं तो इसका बूट स्पेस नियर अबाउट फोर ट्वेंटी लीटर का बूट स्पेस में मिलने वाला है एंड वन मोर खासियत क्या है मालूम है इसका जो स्पेयर टायर है ना वो आपको ओके okay. ये आपको है ना फोर्टीन इंचज़ का मिलने वाला है एंड ये ब्रिस्टोन का ही प्रोवाइड किया गया है सो so अगर आपको टायर रोटेशन करना है ओके okay, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा टेन थाउजेंड के ऊपर आप टायर रोटेशन करते रहिए वो यूज़ रोटेशन करने के लिए आप ये स्पेयर टायर यूज़ कर सकते हैं तो रियर प्रोफाइल एंड बूट स्पेस के बारे में हमने अभी बात कर लिया तो वैल्यू फॉर मनी क्यों है उसके सारे रीजन्स में आपको बता रहा हूँ चलिए चलते अंदर बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में तो अंदर जाने के लिए गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमोट के ऊपर एंड आपको मैन्युअली भी इसे अनलॉक कर सकते तो ये है ड्राइवर साइड का डोर अब यहाँ आप देख सकते हैं जो डोर हैंडल से वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलने वाला है चार आपको पावर विंडोज मिलेंगे ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो वन टच डाउन वन टच अप के साथ ऑप्शन इसमें मिल जाता है ये देखिए वन टच डाउन वन टच अप यानी ये ऑटोमेटिक है ओके सो वन टच अप नहीं है ऑटोमेटिक दिन का फायदा होता है तो दोस्तों दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक ओनली वन टच डाउन ऑप्शन मिल जाएगा ओके वन टच अप नहीं है तो ये ऑटो निकाल दो ठीक है मिरर से वो आपको पावर एडजस्टेबल मिलने वाले हैं और इसे आप फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं सेकेंड बेस्ट वेरियंट की मैं बात कर रहा हूँ ठीक विंडो लॉक करने के लिए ऑप्शन यहाँ आपको मिलने वाला है देन यहाँ वन लीटर बॉटर सारा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है यह थोड़ा आपको फैब्रिक देखने को मिलने वाला है सेकेंड बेस वेरियंट की मैं बात कर रहा हूँ ये देखिए लग गया सेकंड की बात कर रहा हूँ इसके सीट्स एंगल एडजस्टेबल एडजस्टेबल हाइट सीट्स है आगे पीछे आप इसे आसानी से कर सकते हैं अमेज यानी होंडा की कोई भी गाड़ी लो सारे जो सीट्स है उनके बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रखते हैं ये देखिए हेड्रेस कितना बड़ा हेड्रेस इसमें प्रोवाइड किया गया है चलिए अब अंदर क्या कुछ मिलेगा यहाँ हेडलैम्प लेवल का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है ओके देन क्लच पेडल ब्रेक पेडल और पेडल यह आपको डेड पेडल ये इसका इंटेरियर टोन में आपको इसका इंटेरियर देखने को मिलने वाला है मैनुअल एडजस्टेबल व्यू मिरर। वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनशेड के ऊपर यहाँ टिकट होल्डर भी नहीं है और मिरर भी नहीं है यहाँ आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट ग्लोब बॉक्स ठीक ठाक साइज का दिया गया है ठीक है और ये इसके एसी सी इवेंट्स ए इवेंट्स के चारों तरफ आपको सिल्वर एसेंस का वर्क देखने को मिलने वाला है खूबसूरत सा इसका इंटीरियर डेफिनेटली लगता है एस फ्रेंड होकर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप सेकंड बेसिस से चला रहे हो डेफिनेटली आपको थोड़ा लग्जरी इसमें फील आने वाला है ये है टूडिन म्यूजिक सिस्टम ओके और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाली है और ऑक्स कनेक्टिविटी भी इसमें मिल जाती है यहाँ इसमें देख सकते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है वही एक नेगेटिव है जहां आपको टूटिन मिलती है लेकिन सिस्टम तो मिलती है वो इंपॉर्टेंट है और इसमें चार स्पीकर का ऑप्शन मिलने वाला है हैजार्ड का बटन यहाँ मिल जाता है ये पूरा जो पार्ट है वो ब्लैक ग्लॉसी है नीचे आपको नॉर्मल ही मैनुअल ए सी इसमें मिलने वाला है, है। और ये आप है ना चेंज कर सकते हैं यानी इस साइड रखोगे तो आपकी इंटरनल सर्कुलेशन एयर है वही सर्कुलेट होती रहेगी और ये नॉब आप ये साइड रखोगे तो आपका जो बाहर की फ्रेश एयर है वो आने वाली है वो आपको किस इसमें यूज़ करना है जब अंदर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या फिर अंदर में आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है उस केस में आपको ये यहाँ पर आपको, आपको सिलेक्ट करके रखना है नीचे आपको पावर ट्वेल्व का पावर सॉकेट मिल जाएगा एंड यह आपको यू एस बी कनेक्टिविटी मिलने वाली है या स्पेस है दो का कपोल्डर फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर आप ये हैंड ब्रेक यह भी आपको एक कप कप फोल्डर देखने को मिलने वाला है कैंड बेस वेरियंट और यह आपको इंफोर्टेनमेंट के स्विचेस यहाँ मिलने वाले हैं लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल राइट साइड में हेडलैम्स कंट्रोल ऑटोमेटिक हेडलैम्स नहीं है एंड ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।, क्लस्टर में क्या कुछ इंफॉर्मेशन शो की जाएगी राइट साइड में आप देख सकते स्पीडोमीटर लेफ्ट साइड में आरपीए मीटर बीच में छोटी सी एम स्क्रीन है छोटी सी क्यूट सी तो इसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन है देख सकते हैं सबसे पहले तो एय ट्रिप भी एवरेज इसमें शो किया जाएगा ओके देन बी ट्रिप बी ट्रिप का भी आपको इसमें एवरेज शो किया जाएगा B नीचे आपको यहाँ देखने को मिला टाइम देन इसमें रेंज भी शो किया जाता है ओके okay. एंड यहाँ पे टोटल किलोमीटर गाड़ी कितना चल चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलने वाली है तो इतनी सारे आपको डिस्टेंस टू एम एंड माइलेज इसमें शो होता है तो वो ही इंपॉर्टेंट है क्यूट सा ये आपको मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओके okay. और ये लेफ्ट साइड में आपको सारे वार्निंग लाइट्स मिलेंगे राइट और लेफ्ट साइड में ओके okay. दोस्तों अब इंपॉर्टेंट है वो इसका रियर स्पेस सेकेंड रो क्या कुछ मिलेगा चलिए अंदर तो इंग्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधन गाड़ी है लेग रूम देखिए नी रूम देखिए ओ माय गॉड इतना सारा मिलता है थाई सपोर्ट अमेजिंग है मेरी हाइट ऑलमोस्ट सिक्स फीट है आगे की सीट्स मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये आपको सिल्वर कलर में डोर हैंडल्स पावर विंडो का ऑप्शन ओके चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ मिल जाएगा ये देख सकते हैं देन यहाँ फैब्रिक है ओके वन लीटर बॉटल जगह एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है अगर हम बात करेंगे विंडो तो अच्छे खासे बड़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs>

एट्टी एट पॉइंट फाइव बी एच पी पावर जनरेट करेगा एंड एक सौ दोनों एक सौ दस एन एम का टॉर्क ये जनरेट करने वाला है तो बात करेंगे माइलेज के बारे में तो 18.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप मैनुअल ट्रांसमिशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट बात आती है इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ये फोर स्टार लाने वाली होंडा की अमेज है अगर हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो आपको एबीएस मिलेगा सिंटर लॉकिंग पावर डोर लॉक शेल सेफ्टी लॉक्स दो एयरबैग्स देन डेनाट रियर व्यू मिररर पैसेंजर साइड रियर व्यू मिररर रियर सीट बेल्ट सीट बेल्ट वार्निंग डोर अज वार्निंग एडजस्टेबल सीट इंजिन इमोबिलाइजर क्रैश सेंसर इंजिन चेक वार्निंग ई बी डी एडवांस कंपेटेबिलिटी इंजिनिंग बॉडी स्ट्रक्चर की ऑफ रिमाइंडर ड्यूअल हॉर्न स्पीड अलर्ट स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक तो आईसो फिक्स चाइल्ड माउंट प्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटेड सीट बेल्ट इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक इतने सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ये गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं बात करते हैं इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में तो सेवन लैक सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ एज ऑफ नाउ इसके एक शोरूम प्राइस है दोस्तों ये तो फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए होंडा एम्स यस वेरियंट के बारे में चाहे आप ऑटोमेटिक में लीजिए या फिर मैनुअल लीजिए सबसे वैल्यू फॉर मनी है होंडा आप आज अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे, दे देता है आग बंद करके गाड़ी लेना अगर आपको सेफ़ गाड़ी चाहिए दूसरा सिटी में चलाने के लिए चाहिए और एक आपको रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए होंडा से ही ये गाड़ी आपके लिए बनी है दोस्तों सब कुछ है इसमें एज ऑफ नाउ फ्रंट फेस या बहुत बढ़िया है रियर फेस या खतरनाक दिया गया है एंड uh, अगर मुझे आप पर्सनली पूछोगे तो ये गाड़ी मैं डेफिनेटली आपके लिए रिकमेंड करूँगा कोई भी ये पेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है पेड प्रोमोशनल वीडियो नहीं दोस्तों ये मेरा कुछ जो है मुझे कुछ लगता है गाड़ी के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बनाया और ये गाड़ी चाहिए मार्केट में थाने के में या मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के किसी भी कोने से कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहने वाला हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉश दिस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये होंडा मेज जरूर खरीदना